जिला जेल में आयोजित 25 दिवसीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में अतिथियों ने खिलाड़ियों को मेडल प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। उप जेल अधीक्षक वी.बी. प्रसाद ने बताया कि जिला जेल में बंद कैदियों के जीवन सुधार, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने और अपनी जिंदगी के बुरे लम्हों को भुलाने के लिए जेल प्रशासन लगातार नवाचार कर रहा है। 25 दिवसीय स्पर्धाओं के दौरान पुरुष बंदियों के लिए क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि को शामिल किया गया, जबकि महिलाओं के लिए रस्सी कूद, बैडमिंटन, चित्रकला, मेहंदी, कुर्सी दौड़ जैसी स्पर्धाएं हुई। क्रिकेट की 6 टीमों में फाइनल मुकाबला रविवार को हुआ, जिसमें सजा याफ्ता कैदियों ने 8-8 ओवर के मैच में विचाराधीन कैदियों को 6 विकेट से हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैं निश्चित रूप से इसके लिए जेल प्रशासन को, जेलर साहब को और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज कराई जा रही है। आप लोग समाज से अलग होने के बाद भी समाज की धाराओं में तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक आपकी मनोस्थिति को मनोबल प्रदान करता है और आपको बेहतर और बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करता है। मैं आप सभी लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीखकर आप समाज की मुख्य धारा में और बेहतर तरीके से जाएं वहाँ पे। और सेंट्रल जिला अधीक्षक श्रीमती शेफाली तिवारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सर्किल के समस्त जेलों में खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित प्रतियोगिता पिछले 25 दिवस से चल रही है। इसी अनुक्रम में जिला जेल खरगोन में भी महिला बंदियों एवं पुरुष बंदियों में भी विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया और जो फाइनल गतिविधियां फाइनल कार्यक्रम हुआ, आज कुछ गेम का फाइनल था और पिछले संडे को वॉलीबॉल और कबड्डी का फाइनल था। आज के दिन समापन समारोह है जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त श्री प्रशांत क्या नाम है प्रशांत आर्य मुख्य अतिथि के रूप में एवं श्रीमती क्षमा मिश्रा लायंस क्लब की अध्यक्ष भी उपस्थित हैं और इनके द्वारा जो विजेता टीम है, जो एकल स्पर्धा में बंदी जीते हैं, उनको पुरस्कार के रूप में शील्ड प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जिससे बंदियों में भी उत्साह वर्धन होता है। इस तरह के कार्यक्रमों से बंदियों में अच्छा उत्साह, अच्छा सिग्नल जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सामान्य जन को भी लगता है कि जेल एक सुधारालय है और ये बंदियों, पहले जो स्थिति थी कि जेल को एक दंड का स्थान माना जाता था, लेकिन अब जेलें सुधारालय हो गया है जहां बंदियों को रिफ्रेश करके समाज में पुनः दाखिल करवाया जाता है। गेम, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सब इसके अंग हैं। इसी के तहत पूरे 25 दिवस में हमारे यहाँ क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज, फिर आपका एक बैडमिंटन, ये पुरुष बंदियों में स्पर्धा हुई और महिलाओं में जो है महिला बंदियों के बीच रस्सी कूद प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, मेहंदी एवं चित्रकारी प्रतियोगिता हुई और इन प्रतियोगिताओं में जो टीमें या जो व्यक्तिगत स्पर्धा में सफल रहे हैं उनको आज पुरस्कृत किया जाएगा आदिम जाति कल्याण विभाग एवं लायंस क्लब के सहयोग से। इससे बंदियों में भी अच्छा संदेश जाता है और समान जनमानस में भी अच्छा संदेश जाता है। बंदियों को भी लगता है, बंदियों में भी अनुशासन, एकता और सकारात्मक विचार जागरूक होते हैं। क्या नाम सर? बी.बी. प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।